हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन पेंटिंग करके दिखाऊंगा। मतलब एक फॉरेस्ट पेंट करूंगा, उसके अंदर एक छोटा सा हाउस होगा और उस हाउस के सामने से एक छोटा सा नदी बह रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल तरीके से यहाँ पर एक स्केच कर लेता हूँ और उसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए, हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है, अभी हम कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, ये है स्काई ब्लू कलर। इस पेंटिंग में जो आसमान है वो बहुत ही कम होगा, मतलब ज़्यादातर आसमान पेड़ों की पत्तियों से ढका होगा। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा आसमान पेंट कर रहा हूँ ओनली ब्लू कलर से। इसके अंदर मैं कोई भी क्लाउड्स पेंट नहीं करूँगा। दूर का पेड़ पेंट करने के लिए मुझे डीप ग्रीन के साथ थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर मिला दिया है। इससे हमें जो दूर का पेड़ है वो पेंट करना अच्छा होगा, क्योंकि दूर का पेड़ ज़्यादा ग्रीन नहीं दिखता है, थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखता है। उसके लिए मैं दूर का पेड़ इसी कलर से पेंट कर रहा हूँ। दूर का पेड़ पेंट करना हो गया है। अभी जो फॉरेस्ट के अंदर में जो घास है उसको पेंट करने के लिए उसका जो बेसिक कलर है, डीप ग्रीन कलर, वो मैं अभी दे रहा हूँ। तो गैस, ये है डीप ग्रीन कलर। इस डीप ग्रीन कलर को जहाँ पे घास होगा वहाँ पे हमें दे देना होगा। और उसके साथ देखिए, अभी यहाँ पर एक छोटा सा रिवर होगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कलर को दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे मोटा मोटा जो कलर होगा वो हम सबसे पहले दे देंगे, जैसे कि ये रिवर का कलर है और घास का कलर है। उसके बाद जो स्ट्रीट होगा, रास्ता होगा, उसका कलर देना होगा। और ये जो अभी मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर पत्थर होगा, तो उस पत्थर को भी पेंट करने के लिए मैंने पत्थर का जो बेसिक कलर है, जो पहला कलर है वो ब्लैक कलर, उसको मैंने पहले दे दिया है। तो गाइस, अभी हम इस फॉरेस्ट को पेंट करेंगे। फॉरेस्ट को पेंट करने के लिए हमें सबसे दूर का जो पेड़ है उसको पहले पेंट करना होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे जितना हम पास आते जाएंगे उतना ही हम पास वाले जो पेड़ है उसको पेंट करेंगे। तो देखिए, ये है दूर का पेड़, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से पेंट कर दिया। उसके बाद हम जितना पास आएंगे उतना ही कलर डीप होता जाएगा। सो गाइस, ये मैं अभी पेंट कर रहा हूँ घास, क्योंकि पेड़ को पेंट करने से पहले हमें यहाँ पर जो घास है, जो पत्थर है और ये जो रास्ता है, इसको हमें पहले पेंट करना होगा। तो अभी ये जो कलर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये है बिस्किट कलर, येलो कलर के साथ मैं थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा वाइट कलर मिला दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने पहले जो ब्लैक कलर करा था वो है पत्थर, उसको अभी मैं थोड़ा सा ऐश कलर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा वाइट कलर मिला के इसको हाईलाइट करूँगा, तो ये दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसा लगेगा। तो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लिया हूँ और उस ब्लैक कलर से फॉरेस्ट का जो पेड़ है, जो पास वाला पेड़ है, उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। ये है ब्लैक कलर और
इस ब्लैक कलर से जो पत्तियां पेंट होगा वो बिल्कुल पास वाले पेड़ की पत्तियां। ये जो पेड़ मैं अभी पेंट कर रहा हूँ ये भी बहुत ही पास का पेड़ है, तो इसीलिए इस पेड़ को मैंने ब्लैक कलर से पहले पेंट कर देता हूँ और उसके बाद ब्राउन कलर से और बिस्किट कलर से मैं धीरे धीरे इस पेड़ को भी हाईलाइट करूँगा। सो गाइस, अब इस फॉरेस्ट के अंदर में जो भी घास है उसको हमें हाईलाइट करना है, क्योंकि अभी तो हमें पेड़ पेंट करना हो गया है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पे पेड़ होगा उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। अभी हमको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे घास होगा और कहाँ पे घास नहीं होगा, कहाँ पे पेड़ का शेडो पड़ेगा, तो इसीलिए जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा गिर रही है वहाँ पर मैंने घास को हाईलाइट कर दिया है और जहाँ पे पेड़ का शेडो है वहाँ पर मैं घास को पेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब उस जगह पे पेड़ के शेडो के लिए मैं वहाँ पे खाली रख रहा हूँ। इससे हमें ऐसा लगा इस पेंटिंग में कि एक साइड से लाइट्स आ रही है इसीलिए पेड़ का शेडो आ रहा है, और जहाँ पे पेड़ का शेडो नहीं है वहाँ पर सनलाइट की वजह से जो घास है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो गाइस चलिए इसी तरीके से मैं इस फॉरेस्ट के अंदर में जो भी घास है ये सब मैं पेंट कर देता हूँ, और ये जो ऑरेंज कलर से मैं पेंट कर रहा हूँ घास को, ये एक्चुअल में घास का फ्लावर्स है, ठीक है। तो गाइस चलिए इसी तरीके से मैं पहले इस घास को पेंट कर देता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे जो भी पेड़ है उसको मैं हाईलाइट करूँगा और ये जो ब्रिज है और ये जो पानी है ये सबको मैं धीरे धीरे हाईलाइट करूंगा और फिनिशिंग करूंगा। तो गैस अभी हमें इस घर को पेंट करना होगा, तो सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर दे दिया है घर के छाद में, उसके बाद घर के जो दीवार है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर और वाइट कलर मिला के एक कलर बनाया है उसको मैंने दे दिया है, और उसके बाद वही कलर थोड़ा सा और लाइट करके दूसरे साइड में जहाँ पे सूरज का किरण ज़्यादा पड़ रहा है उस साइड में मैंने दे दिया है। और ये जो घर का छाद होगा वो भी घास फूस का छाद होगा, इसीलिए मैंने पहले ब्राउन कलर दिया था, उसके बाद ये जो बिस्किट कलर है वो मैंने दिया, और उसके बाद पीला कलर मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इस घर का जो छाद है उसको मैंने पेंट कर दिया। अभी थोड़ा सा और लाइट एंड शेडो दिखाएंगे इस घर के आसपास, मतलब जहाँ पे लाइट्स ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पर मैं वाइट कलर से हाईलाइट करूँगा, और जहाँ पे लाइट्स कम पड़ रहा है वहाँ पर मैं डार्क कलर जैसे कि ब्लैक कलर और ब्राउन कलर इस कलर से मैं हाईलाइट करूँगा। और इस पेंटिंग में जितना भी पेड़ है फॉरेस्ट के अंदर आप देख रहे हैं सभी पेड़ के जिस साइड पर सूरज का किरण ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पर मैंने वाइट कलर से हाईलाइट कर दिया है। अभी हमें पानी को हाईलाइट करना होगा, तो यहाँ पर मैंने
वाइट कलर ले लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर ब्लू कलर मिला के, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी जो कलर लिया हूँ वो है प्योर वाइट कलर, तो उस कलर की मदद से मैं पानी को हाईलाइट कर दिया हूँ। अभी पानी के ऊपर जो ब्रिज है उस ब्रिज को अभी मुझे पेंट करना होगा। तो देखिए ब्रिज बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया है, और अभी जो पेंट करना है हमें कुछ पत्थर को पेंट करना होगा। इधर उधर कुछ पत्थर है, उस पत्थर को पेंट करना होगा। तो पहले मैंने वहाँ पर ब्लैक कलर दे दिया था, और उसके बाद मैं ऐश कलर और उसके बाद थोड़ा सा वाइट कलर मिला के सारे पत्थर को हाईलाइट कर देना होगा। तो गैस अभी यहाँ पर कुछ घास को पेंट करना होगा ग्रीन कलर से, और उसके बाद इस घास में कुछ फ्लावर्स पेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है, यहाँ पर हमें घास का जो फ्लावर्स है वो पेंट करना हो गया है। तो गैस अभी हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आज का ये पेंटिंग, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिए। मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।